पर पैकेजिंग बहुत क्यूट है, हैंडी है, तो आराम से ट्रेवल फ्रेंडली इसकी पैकेजिंग है, तो आप आराम से इसे पॉकेट में भी अपने पर्स में रख सकते हो, जब एरियाज पे और अपने पूरे फेस पे। बहुत हल्का सा अमाउंट लेने के बाद उसको जस्ट थोड़ा सा एक्सेस अमाउंट हटा के देन अपने अंडर आईज पे सेट किया है, देन थोड़ा सा आईलिड पे जहाँ जहाँ मैंने फाउंडेशन और कंसील अप्लाई किया था। आई टेक अ लिटिल बिट पाउडर। बहुत गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल, माय नेम इज पूजा और मैं स्वागत करती हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज के वीडियो में मैं आपके संग शेयर करने वाली हूँ एल्फ कॉस्मेटिक्स के दो प्रोडक्ट्स, जिनका रिव्यू मैं भी साथ साथ कर दूंगी। तो ये प्रोडक्ट्स मैंने परचेज किए हैं फ्रॉम द नायका। जैसे आप जानते हैं नायका ने एल्फ कुछ दिन पहले एल्फ कॉस्मेटिक्स को लॉन्च किया था, तो इंडिया में ये लॉन्च हो चुका है, तो उसी से मैंने दो प्रोडक्ट्स ही परचेज किया है, जिसके साथ साथ ही इस वीडियो में मैं उसका रिव्यू भी कर दूंगी। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देगा, जिससे कि आप नेक्स्ट वीडियो को मिस आउट ना कर पाए और आराम से मेरी वीडियो को वॉच कर पाए। और सभी को मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ, जैसे कि मैंने अपने चैनल पे वीडियो भी अपलोड किया है, थैंक यू सबको बोलने के लिए कि जो मेरे मामा अर्थ की शीट मास्क की वीडियो को आपने बहुत ज्यादा प्यार दिया, बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, उसके लिए थैंक यू सबको बहुत ज्यादा प्यार। तो ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू कर लेते हैं। जैसे कि आपको पता है कि एल्फ कॉस्मेटिक्स बाहर का ब्रांड है जो नायका पे फर्स्ट टाइम आया था, तो स्टार्टिंग में उन्होंने कुछ डिस्काउंट डाले हुए थे, लाइक अगर आप दो थ्री प्रोडक्ट्स लेते हैं तो थर्ड प्रोडक्ट फ्री हो जाएगा, लाइक समथिंग एज दैट। बट जो सेकंड डे मैंने जब इसका देखा तो उस पर मुझे डिस्काउंट पे मिल गया, लाइक कोई प्रोडक्ट मेरे को 20% के डिस्काउंट पे मिल गया, ऐसे कुछ उनके उस टाइम पे चल रहे थे। कोई ये स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है गाइज, मैंने जो भी एल्फ के दो कॉस्मेटिक्स परचेज किए हैं, एक है स्किन केयर से, दूसरा है मेकअप से, तो दैट्स वाई मैंने सोचा पहले एक एक प्रोडक्ट को ट्राई करूं, मुझे पसंद आता है तो डेफिनेटली मैं इनके और प्रोडक्ट्स परचेज करके उनका रिव्यू पक्का करूंगी। ये है नायका का डब्बा जिसमें ये एल्फ के दो कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट आए थे। तो सबसे पहले जो मैंने स्किन केयर का जो परचेज किया था वो किया था टोनर, बिकॉज मेरा वीडियो, मेरा जो चैनल है, मोस्ट ऑफ द मैं क्या करती हूँ स्किन केयर के ज्यादा वीडियोस बनाती हूँ, मेकअप के भी बनाती हूँ बट कम बनाती हूँ। तो मैंने सोचा कि एल्फ कॉस्मेटिक से एक स्किन केयर का प्रोडक्ट तो परचेस करना जरूर बनता है, दैट्स वाई मैंने एल्फ का ये सुपर टोन टोनर विद ब्राइटनिंग फ्रूट एसिड। तो इस वीडियो में साथ साथ मैं इस प्रोडक्ट का रिव्यू भी करूंगी। देख सकते हैं स्लीक सी पैकेजिंग है इन येलो कार्डबोर्ड, वेरी क्यूट एंड अट्रैक्टिव पैकेजिंग है। इसका MRP 1100 था बट आई गॉट इन 800 rupees आफ्टर डिस्काउंट। तो ये टोनर मैंने अभी मेकअप से पहले भी अप्लाई किया है, तो आप आगे वीडियो में देखेंगे कि इसका जो फर्स्ट इम्प्रेशन है कैसा है रहा मेरा टोनर के साथ। तो ये फ्रूट एसिड्स है, इसमें विटामिन सी है आई थिंक, वो आप आगे वीडियो में देखेंगे जब मैं अप्लाई करूंगी। बट इसकी बॉटल जो देख सकते हैं कितनी स्लीक है, और ये 150 ml की बॉटल है जो थोड़ी सी कॉस्टली है, मतलब प्राइस वाइज थोड़ी कॉस्टली है, बट जब मैंने इसको अप्लाई किया था तो मेरे जो ओपन पोर्स हैं वो टाइट हुए थे और स्किन में एक हल्का सा ब्राइटनेस भी देखने को मिला था, जैसा कि इसमें मेंशन किया गया है। इसमें फ्रूटी एसिड्स हैं और 150 ml की बॉटल है, 1100 का प्राइस है बट 800 में मुझे मिला था। और इसके साथ ही साथ आप देख सकते हैं इसकी पैकेजिंग जब आई थी तो बहुत ही क्यूट थी, सब जगह इस पे पॉलिथीन रैप था जो मैं अभी हटा चुकी हूँ, और बहुत ही स्लाइट येलो कलर का जो इसकी स्मेल भी लाइक फ्रूटी टाइप की है, जैसे स्मेल है, स्मेल वेरी गुड, बिल्कुल भी हार्श नहीं है नोज को, जिनको मतलब स्ट्रॉन्ग स्मेल से प्रॉब्लम है उनको बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ही अच्छा टोनर लगा मुझे, तो इसलिए मैंने इसको मेकअप से पहले भी यूज किया हुआ है। इसके बाद जो मैंने सेकेंड प्रोडक्ट परचेज किया है वो है एल्फ से, जो कि है सेटिंग पाउडर। ये है ग्लो सेटिंग पाउडर, आप देख सकते हैं पैकेजिंग इसकी कुछ इस तरह से कार्डबोर्ड में है। तो जो मैंने जो मेकअप किया है उस पर जो सेटिंग पाउडर जो यूज किया है वो यही किया है, वो भी मैं आपको वीडियो में आके दिखाऊंगी कि इसको अप्लाई करने के बाद मुझे अपने फेस पे क्या लगा। तो देख सकते हैं कुछ इस तरह की पैकेजिंग है, ये है इसका, पीछे से मेंशन भी है कि अगर आप इस सेटिंग पाउडर को ओपन करने के बाद कैसे इसे यूज कर सकते हैं, कैसे ओपन कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं अंदर से सिंपल सी इसकी पैकेजिंग है, लाइक अदर सेटिंग पाउडर। इस पे लिखा है एल्फ हेलो आई डोंट नो एच ए एल ओ ग्लो सेटिंग पाउडर, लाइक ये एक तरह से सेटिंग पाउडर भी है और साथ साथ आपके फेस पे ग्लो भी देगा। तो इसको मैंने यूज किया है अपने पूरे मेकअप बेस को सेट करने के लिए, अपने अंडर आईज जो फाउंडेशन वगैरह अप्लाई किया था। इसका प्राइस भी 1100 है एमआरपी, इसको भी मैंने 800 में आफ्टर डिस्काउंट मिला था, क्योंकि ये पैकेजिंग है तो आप आराम से इसे पॉकेट में भी अपने पर्स में रख सकते हो, जब भी आपको यूज करना हो सेटिंग पाउडर आप यूज कर सकते हो। इसमें दो शेड थे, लाइट एंड मीडियम, तो लाइट तो फेयर स्किन के लिए जाएगा, मीडियम तो जाएगा मीडियम टू व्हाइटिश स्किन, तो जो मेरा शेड है वो है मीडियम। इस पे लिखा है सेट मेकअप एंड क्रिएट्स अ सॉफ्ट फोकस ब्लर फिनिश, मतलब आपके मेकअप बेस को बहुत ही अच्छे से सेट कर देगा, एक ग्लो भी देगा, एक ब्लर कर देगा, लाइक ब्लर मतलब आपके जो ओपन पोर्स ब्लर कर देगा, फाइन लाइंस है, जितने भी
और भी दाग धब्बे वो सब ब्लर कर देगा। वो करा कि नहीं करा वो आगे मैं आपको बताऊंगी कि मुझे कैसे। जितने भी एल्फ कॉस्मेटिक्स के प्रोडक्ट हैं क्रुएल्टी फ्री और वेगन फ्री होते हैं। इसके सेटिंग पाउडर पे भी सेम ऐसे मेंशन है कि ये वेगन फ्री है और क्रुएल्टी फ्री है। इवन जो स्किन केयर है इनके वो भी क्रुएल्टी फ्री और वेगन फ्री है। देख लेते हैं इसका एक्सेप्टेड वीडियो, एक सेपरेट रिव्यू आप कह सकते हैं कि इन दोनों प्रोडक्ट को यूज करने के साथ साथ मुझे इसका जो फर्स्ट इंप्रेशन है वो कैसा रहा। ऐसा देख सकते हैं कि मैंने अपने अंडर आईज एरियाज पे और अपने पूरे फेस पे बहुत हल्का सा अमाउंट लेने के बाद उसको जस्ट थोड़ा सा एक्सेस अमाउंट हटा के देन अपने अंडर आईज पे सेट किया है। देन थोड़ा सा आईलिड पे जहाँ जहाँ मैंने फाउंडेशन और कंसीलर अप्लाई किया था। आई टेक अ लिटिल बिट पाउडर, बहुत सारा नहीं लिया है। तो आप देख सकते हैं मेरे फेस पे हल्का सा ग्लो भी है और मैट फिनिश दिया है थोड़ा सा। और मेरे अंडर आईज में जो जो मैंने कंसीलर लगाया था उसको बहुत अच्छे से इसने सेट किया है। एज यू कैन सी, अगर आप कैमरे में देख पा रहे हैं, जब मैं फाउंडेशन लगाया था उस दैट टाइम, उसके बाद जो मैं सेटिंग पाउडर लगाया है उसके बाद इसने फेस को थोड़ा सा लिटिल बिट ग्लो दिया है। डेफिनेटली मैं कह सकती हूँ कि यस, ये एक सेटिंग पाउडर है जो आपके फेस में बहुत प्यारा सा ग्लो लाएगा, एक तरह से हाईलाइटिंग का भी काम करेगा। आप देख सकते हैं मेरे अंडर आईज कितने अच्छे से सेट हो गई है, कोई क्रीज लाइन नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। माई फर्स्ट जो इम्प्रेशन है इस फेस सेटिंग पाउडर का बहुत अच्छा है। जैसे कि मैं बहुत हाईलाइट कम लगाती हूँ, डेली शूट पे हाईलाइटर लगा के बैठना मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं है। सो एक ऐसा सेटिंग पाउडर हो जो आपके फेस को सेट भी कर दे और साथ ही साथ फेस पे ग्लो भी लाए। तो लिटिल बिट्स जो अमाउंट मैंने सेट किया था उसको मैं एक्सेस अमाउंट जो है उसे मैं रिमूव कर दूंगी। अब एज यू कैन सी, देख सकते हैं मेरे फेस में बहुत अच्छा सा ग्लो है। तो डेफिनेटली प्राइस वाइज इट्स गुड। ये 800 का मैंने लिया था, मुझे डिस्काउंट में मिला था। प्राइस था इसका 1100 पर, आई गॉट इट इन डिस्काउंटेड 800, तो इट्स फाइन। वैसे भी मेबिन फिटमे का थोड़ा अफोर्डेबल आता है, बट वो आपके फेस को अच्छे से सेट कर देता है और मैट फिनिश देता है, जस्ट सेटिंग पाउडर। बट आप इसको सेटिंग पाउडर कहने के साथ साथ एक ग्लो पाउडर भी कह सकते हैं। सेटिंग पाउडर को रिकमेंड करूंगी, अगर आपको पसंद आए तो आप ले सकते हो। इसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा। तो स्पेशली प्रोडक्ट आपको नायका से मिलेगा। जैसे मैंने आपको पहले बताया कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, तो मैंने एक स्किन केयर और एक मेकअप का प्रोडक्ट परचेज किया था फ्रॉम द एल्फ ब्रांड्स। एंड दिस इज अ एल्फ कॉस्मेटिक सुपर टोन टोनर जो आपकी स्किन को इंस्टेंट ब्राइट और बहुत ही ज़्यादा रेडिएंट लुक देगा। ये आपके पीएच बैलेंस को भी मेंटेन रखता है, साथ ही जितने भी डेड सेल्स हैं उनको ही रिमूव करेगा और आपके जितने भी स्किन में ओपन पोर्स है उनको ये इंस्टेंट टाइट भी कर देगा। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है, इजीली एब्जॉर्ब भी हो गया। ये ऑल स्किन टाइप्स, इफ़ यू हैव अ सेंसिटिव स्किन तब भी आप इसे आराम से यूज़ कर सकते हो, ऑयली ड्राई कॉम्बिनेशन स्किन। और आपकी स्किन में बहुत ज़्यादा जेंटली है, बहुत बिल्कुल हार्श नहीं करेगा। इसकी स्मेल भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, इसके अंदर है ग्लाइकोलिक एसिड जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है आपकी स्किन के लिए। तो डेफिनेटली यू कैन ट्राई इन योर स्किन केयर रूटीन। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ से आप जाके इसको डायरेक्टली परचेज कर सकते हैं। चेक कर सकते हैं, इसमें लिक्विड लिपस्टिक के भी रेंज थी लाइक अदर, तो मैं ट्राई करूंगी अदर प्रोडक्ट्स को परचेज करके उनका रिव्यू करने का। बट दोनों ही प्रोडक्ट मुझे पसंद आए हैं, तो मैं अपने स्किन केयर में इस टोनर को जरूर ऐड करने वाली हूँ और इस एल्फ सेटिंग पाउडर को भी अपने मेकअप में भी ऐड करने वाली हूँ। तो ये था मेरा वीडियो और ये था मेरा ऑनेस्ट रिव्यू कि दोनों प्रोडक्ट के साथ मेरा एल्फ कॉस्मेटिक के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अच्छे से कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।